हेलो फ्रेंड, मैं हूं सुजाता। एसएसवर जोन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे शंकर जी की आरती को डिजाइन करना, एक बॉक्स में एक साइज बनाकर। जैसे कि हम बनाते हैं इसमें 5x3 का एक बॉक्स, उसमें हम इस आरती को सेट करेंगे और उसमें भगवान जी की फोटो लगाएंगे। तो सबसे पहले हम एक बॉक्स बनाते हैं, उसके बाद यहाँ से इसका साइज सेट करते हैं 5 और 3। ये देखिए 5 और 3 में ये बॉक्स बन गया है। कीबोर्ड से पी की को प्रेस करते हैं तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा बॉक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसमें हमने ये आरती यहाँ पहले से टाइप करके रखी हुई है, इस आरती को इस बॉक्स में सेट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ हेडिंग डालेंगे, यहाँ हम एक इस हेडिंग को एक बॉक्स के अंदर बनाते हैं। तो हम यहाँ टूल बॉक्स में जाकर ये बैनर शेप से दिए हुए हैं टूल्स में, उस पर लॉन्ग प्रेस करते हैं और यहाँ बैनर शेप पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टी बार में यह देखिए, यहाँ परफेक्ट शेप्स के नाम से एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ से ये इसको सेलेक्ट करते हैं। फिर इसको ये क्रिएट किया, पिक टूल लिया, उसके बाद ये एक बार बॉक्स पर क्लिक किया, फिर कीबोर्ड से ऑल्ट की को प्रेस कीजिए और एक बार उस पर फिर से क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारा मैटर सेलेक्ट हो गया। अब कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ पेज अप की को प्रेस कीजिए तो ये हमारा मैटर ऊपर आ गया बॉक्स के। अब हम ये मैटर तो हमारा सेलेक्ट है, कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस कीजिए और इस बॉक्स को सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड से सी और ई की को प्रेस कीजिए, ये हमारा बॉक्स के सेंटर में आ गया। ये देखिए, ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब हम इस आरती को जो हमने मैटर टाइप किया उसको हम यहाँ पर सेट करते हैं। इसको हम यहाँ पर लेकर आए, इसमें ये देखिए कितनी लाइन ये बाहर जा रही हैं, तो उतनी लाइन हम यहाँ से उठाकर दूसरी साइड इसको सेट करेंगे। तो हमने इसको यहाँ से लिया है, ये हमने 4-5 लाइन यहाँ से सिलेक्ट की और कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स की को प्रेस किया तो ये मैटर कट गया। अब जहाँ हमें पेस्ट करना है वहाँ पर एक बार क्लिक कर दीजिए और पेस्ट कर दीजिए, ये हमारा पेस्ट हो गया। अब ये जो भगवान जी की फ़ोटो है इसको उठाकर यहाँ पर सेट करते हैं, मैटर को सेट करते हैं धीरे धीरे। ये देखिए, ये जो मैटर टाइप हुआ है वो कहीं कम और कहीं ज़्यादा बाहर निकल रहा है, तो उसको क्या करेंगे, पहले मैटर को सिलेक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी बार में यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और फुल जस्टिफाई या सेंटर करते हैं। तो हम इसमें करेंगे फुल जस्टिफाई, फुल जस्टिफाई पर क्लिक किया, ये देखिए बिल्कुल इक्वल में आ गया ये। अब हम इसको उठाकर थोड़ा यहाँ सेट करते हैं साइड में। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसको सेट करते हैं। इसके लिए भी प्रॉपर्टी बार में ये हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट दिया हुआ है, इस पर जाने के बाद फुल जस्टिफाई करते हैं। तो ये भी फुल जस्टिफाई हो गया, इसको भी यहाँ से पकड़ कर थोड़ा प्रेस करते हैं। ये देखिए, ये भी हमने सेट कर लिया। अब इसको थोड़ा सा नीचे लाते हैं, अब मैटर थोड़ा सा और बचा हुआ है, इसको उठाकर यहाँ सेट करते हैं, सी की को प्रेस करते हैं तो ये देखिए ऊपर वाली लाइन के सेंटर में आ गया। इसको हम यहाँ से पकड़कर थोड़ा सा बड़ा करते हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसके सेंटर में आ गया। पहले इसमें ये बॉक्स में बैकग्राउंड डालते हैं, तो बैकग्राउंड डालने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल आई को प्रेस कीजिए। जैसे ही आप कंट्रोल आई को प्रेस करेंगे एक ये डायलॉग बॉक्स खुलकर आता है, जहाँ भी आपका ये बैकग्राउंड है कंप्यूटर में, जिस भी ड्राइव में पड़ा हुआ उसको सिलेक्ट करके और इम्पोर्ट कर दीजिए, तो हमारा ये बैकग्राउंड यहाँ आ जाएगा। अब ये देखिए, ये जो बैकग्राउंड आया हुआ है वो हमारे मैटर के ऊपर है, हमें इसको सबसे पीछे लेके जाना है। तो पहले हम इसको पावर क्लिप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मैटर के पीछे चला जाएगा, तो हम इसको पावर क्लिप करते हैं। पावर क्लिप करने के लिए इफेक्ट मेन्यू में जाकर पावर क्लिप पर जाकर और प्लेस इनसाइड करते हैं। अब ये देखिए, ये पावर क्लिप हो गया, अब हमें पावर क्लिप के अंदर जाना है, तो कीबोर्ड से कंट्रोल की को प्रेस कीजिए और ये जो बॉक्स पर है उस पर एक बार क्लिक कर दीजिए, ये हम पावर क्लिप के अंदर आ गए।
अब हम इसको यहाँ से सेट करते हैं। ये देखिए हमने इसको सेट कर लिया। अब हम इसमें कलर डालते हैं हेडिंग में। तो पहले हम इस बॉक्स में कलर डालेंगे। हमने यहाँ लिया ब्लू कलर, इसको थोड़ा डार्क करना है। अब ब्लू कलर को हमें थोड़ा सा डार्क करना है, तो डार्क करने के लिए यहाँ देखिए ये फिल कलर ब्लू दिखा रहा है। इस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा, उसमें ये लिखा हुआ है मॉडल्स। मॉडल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप कलर को हल्का भी कर सकते हैं और डार्क भी कर सकते हैं। अभी हमें डार्क लेना है, तो हम यहाँ से डार्क पर आ गए और ओके कर दिया, ये हमारा कलर डार्क हो गया। अब मैटर को सिलेक्ट करेंगे और इसमें वाइट कलर करते हैं। ये देखिए वाइट हो गया। बॉक्स की आउटलाइन को नन करते हैं, ये नन कर दी हमने। ठीक, अब ये लिखा हुआ है नीचे, इस मैटर पर हम करते हैं पिंक कलर, और ये वाले जो मैटर है इस पर हम करते हैं ब्लू कलर। अब ये ब्लू कलर थोड़ा बहुत लाइट दिख रहा है, इसमें हमें डार्क कलर करना है ब्लू का। तो ये अभी हमने जो ऊपर ये बॉक्स में ब्लू कलर किया है, इसी को हम इस पर करेंगे। वो कैसे, टूल बॉक्स में जाकर यहाँ आई ड्रॉपर टूल को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम इसका सैंपल लेते हैं ब्लू कलर का। तो ये देखिए एक फिल बॉक्स के रूप में ये बन गया। अब हम इसको इस मैटर पे जाके क्लिक करते हैं, तो ये देखिए हमारा वो ब्लू कलर इस मैटर पे भी आ गया। ऐसे यहाँ पर इस वाले में इसको किया और इसको क्लिक किया, ये इसमें फिल हो गया कलर। ये देखिए हमारी जो आरती है वो इस बॉक्स में सेट हो गई है। अब ये जो दोनों लाइन है इनके बीच में एक छोटी सी लाइन डालते हैं, जिससे कि ये हमें सेपरेट पता चले कि यहाँ से यहाँ पर जाना है अपन को। इसमें लिया, यहाँ एक आउट लाइन डालते हैं। कीबोर्ड से F12 की प्रेस करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आएगा आउटलाइन पेन का। इससे हम यहाँ से आउटलाइन की विथ को मोटी करते हैं। ये हमने मोटी की, देखिए मोटी हो गई थोड़ी सी। इसमें हम कलर डालते हैं रेड, कलर सेट किया, ये हो गई हमारी आरती रेडी। अब हमें इसमें क्या है, आउटलाइन डालनी है। अब हम इसके चारों तरफ आउटलाइन डालेंगे। वो कैसे डालेंगे, पहले आप यहाँ यूनिट्स में जाकर फिट की जगह इंचेस कर लीजिए। ये हमने इंचेस किया। अब इस बॉक्स को पूरे को सिलेक्ट कीजिए, इसका साइज देखिए कितना है। इसका साइज है 60 और नीचे दिया है 36, तो इसको हम पहले 2 इंच छोटा करते हैं, यानी कि 60 की जगह 58 और नीचे 36 की जगह करते हैं 34 और ओके करते हैं। ये देखिए साइज छोटा हो गया। अब एक बॉक्स और बनाते हैं, वो एक्चुअल साइज का बनाएंगे, 60 और 36 का, 60। अब ये वाला बॉक्स जो हमने बनाया हुआ है उसको एक बार सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से P की को प्रेस कर दीजिए, तो ये सेंटर में आ जाता है। ये सेंटर में आ गया। अब क्या कीजिए, सिर्फ P को प्रेस कीजिए और एक बार फिर से इसको सिलेक्ट कीजिए, तो जो ऊपर वाली बॉक्स था वो अनसिलेक्ट हो गया और अंदर वाला बॉक्स सिलेक्ट हो गया। अब शिफ्ट के साथ पेज अप कर दीजिए, तो ये जो अंदर वाला बॉक्स था वो ऊपर आ गया पीछे वाले बॉक्स से। अब हम अंदर वाले बॉक्स को सिलेक्ट किया एक बार और इसकी आउटलाइन को नन किया, और यहाँ पर हमने इसकी आउटलाइन, ये देखिए ये हमने इसको कर दिया रेड, ये पीछे हमारी आउटलाइन फिल हो गई है। अब हमारा ये पूरा एकदम रेडी हो गया है। तो आपने जाना कि हम आरती को एक बॉक्स के अंदर कैसे सेट करते हैं, पिक्चर कैसे लगाते हैं। आप भी इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए तो आपकी हैबिट में आ जाएगा, आप जल्द से जल्द इसको बनाने लगेंगे। 5-7 मिनट में ही आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और इस ट्यूटोरियल से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कमेंट करके आप हमें ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है। थैंक यू।